बलिया के बाद भदोही वसूली कांड सुर्खियों में, एसपी ने 24 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। भदोही जिले के सुरियावां कोतवाली हेड कांस्टेबल द्वारा वसूली मामले को लेकर सुर्खियों में है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वस्त सूत्रों के आधार पर एकत्रित जानकारी और जनता द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। एसपी ने एक साथ 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। सुरियावां कोतवाली के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र प्रताप ने खुद को एसओजी का सिपाही बताकर अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर मैनपुरी निवासी गिरीश कुमार को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसकी पत्नी सीमा से 2,30,000 रुपए वसूल लिए। इस मामले में जहां एक तरफ पुलिस की किरकिरी हुई तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। चर्चा ये भी है कि चार अन्य में कुछ पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं। विभाग में लगे दाग के बाद सख्त मोड़ में आई एसपी ने बुधवार की देर शाम 24 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी ने औराई कोतवाली के हेड कांस्टेबल श्याम सुंदर यादव, कांस्टेबल पुष्पेंद्र अहिरवार, अवधेश कुमार के साथ चौरी के मुख्य आरक्षी घनश्याम यादव, इंदल कुमार, श्याम सुंदर यादव, भदोही कोतवाली के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, घनश्याम पांडे, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, अमित गुप्ता को पुलिस लाइन से संबद्ध किया। इसी तरह सुरियावां के मुख्य आरक्षी आलोक सिंह, राजू बंसीवाल, कांस्टेबल सुनील सिंह, गोपीगंज के मुख्य आरक्षी हरिकेश यादव, प्रमोद तिवारी, कांस्टेबल योगेश कुमार, पूंछ के मुख्य आरक्षी फजी हुजमा सिद्दीकी, अजीत सिंह, कोरोना के मुख्य आरक्षी गुरफाम अहमद, दुर्गागंज के कांस्टेबल अजीत कुमार, विकास के साथ कोरोना के विकास कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि कानून व्यवस्था के अनुपालन में पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। हालांकि जनपद में अब भी कुछ थाने जनता के साथ अपने व्यवहार को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। निश्चय ही ऐसे थानाध्यक्षों के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं एक बड़ा सवाल सुरियावां कोतवाल ब्रजेश सिंह की कार्यशैली को लेकर भी उठाया जा रहा है कि यदि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र का नाम वसूली जैसे कांड में आया तो पहले से ही फरियादियों द्वारा सुरेंद्र की शिकायत के बाद कोतवाल साहब द्वारा जनपद के शीर्ष अधिकारियों को अवगत क्यों नहीं कराया गया। सुरेंद्र द्वारा जिन मामलों में कार्य किया गया, निश्चय ही एक बार नए सिरे से ऐसे मामलों में सुरेंद्र की भूमिका की जांच आवश्यक है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।